राष्ट्र कांग्रेस पार्टी की 70 की पैगा सीट वस्ता पार्टी राष्ट्र व्यवहार इंचार्ज माणिकराव ठाकरे कांग्रेस अग्रने राहुल प्रियांका गांधी प्रचार तो आर ग्यारंटी अमल प्रजल्ल की बल्कि अट पदे बीआरएस पालन तो प्रजल विसी मारप माणिकराव ठाकरे जो वोटर्स है तेलंगाना के जो हमारे कार्यकर्ता है हमारे नेता खड़गे साहब है सोनिया जी गांधी है राहुल जी है प्रियंका जी है वेणुगोपाल जी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बने उन्होंने बहुत ही यहाँ पे ध्यान देकर कांग्रेस पार्टी को उठाने का प्रयास किया है और जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट में आए क्योंकि जो भी वायदे पहले गवर्नमेंट ने किए थे वो भी फल रही है पूरी तरह रोजगार देने भी फल रही है जो भी यहाँ पे एससी एसटी कम्युनिटी को मदद करने की बात वो करते थे माइनॉरिटी की मदद करने की बात करते थे उससे भी फल रही है सभी पहलुओं पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह विफल करके उनके बारे में पूरे तेलंगाना में कहा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आज हम 70 प्लस होंगे इतना मैं बताता हूँ जो भी सर्वे कुछ कम ज़्यादा उसमें आ रहे हैं लेकिन सभी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 60 के आगे जाएगी मेजोरिटी आएंगी लेकिन कुछ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि अच्छी तरह पोजीशन में कांग्रेस पार्टी आएगी हमारा पहले से ही कहना है कि हम 70 प्लस तेलंगाना में जाएंगे क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या स्थिति है इसका जायजा हमने लिया है बार बार चर्चा हुई है वहाँ की स्थितियों के बारे में चर्चा हुई है और हमने बड़ी अच्छी तरीके से कैंपेन भी चलाया है सीट के बारे में भी बड़ी अच्छी तरीके से चयन किया है और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमने 6 डिक्लेरेशन दिए है सोनिया जी गांधी राहुल जी ने खड़गे साहब ने जो जिस तरीके से डिक्लेरेशन यहाँ आकर किए है उस पर जनता का विश्वास है क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट हमारे पास आई थी जैसे कर्नाटक है हिमाचल प्रदेश है छत्तीसगढ़ भी राजस्थान भी तो सभी स्टेट में हमें बड़ी अच्छी तरीके से हमारे जो भी वहाँ पे गारंटी दी थी पूरी तरह लागू की है लेकिन इसके लिए भरोसा पूरे स्टेट के तेलंगाना की जनता का भरोसा कांग्रेस के ऊपर है तो हम 100% आपको कहते हैं कि 70 प्लस कांग्रेस यहाँ पे एमएलए चुन के आएंगे तो वो देखते हैं कि एमएलए का क्या रुझान है किस तरीके से एमएलए चाहते हैं सब परिस्थिति का वो जायजा लेते हैं और उसके बाद हाईकमांड को बताने के बाद हाईकमांड फाइनल करती है कि इस तरीके से नेतृत्व किसने करना चाहिए लेकिन बहुत ही एक साथ होकर सबसे ज्यादा महत्व यहाँ के मैं नेताओं को कार्यकर्ताओं को दूंगा सबसे पहले जब से मैं आया हूँ तब से उन्होंने जो भी अनबन थी तो पूरी तरह कांग्रेस जितवाने के लिए सब एक साथ होकर एकजुट होकर यहाँ पे तेलंगाना में काम किया उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है सीएम के चेहरे के बारे में ना मैं मेरा पूरी तरह उस तरीके का अधिकार है ना मैं ये उसके बाद कुछ कहना चाहूँगा लेकिन ये स्पष्ट है कि नेतृत्व उसमें तो प्रांताध्यक्ष का था ही विशेषज्ञ लेकिन सभी नेता जो है एक साथ मिलकर उन्होंने सबने काम किया है इसका रिजल्ट उसका नतीजा है तो मैं समझता हूँ कि सभी के इसके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 5 एमएलए थे 5 एमएलए में से आज 70 तक हम पहुंच रहे हैं।